किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि कोई व्यापारी 3 से 10% छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, अंकित मूल्य, देखो CP तुम्हारा कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, MP मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। क्या बोला गया, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100 मतलब कि 30% अधिक है, तो कितना हो गया 130%। तो क्या बोला गया है, कोई व्यापारी उसे 10% छूट देता है। देखो छूट जो देंगे हमेशा अंकित प्राइस पर देंगे मतलब कि अंकित मूल्य पर, 10% छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 पर, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, यहाँ पर तुम्हारे 2 0 खत्म, 13 9 117। तो ये क्या हुआ तुम्हारे सेल प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। अब देखो लाभ प्रतिशत पूछा गया था, 100 में खरीदा 119 में बेच दिया, तो 19 का लाभ हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, और परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 100 खत्म, तो 19% तुम्हारा कितना हुआ, लाभ हुआ। तो ये है तुम्हारा राइट आंसर। इसी तरह की अमेजिंग ट्रिक्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।